भगवान महावीर फाउंडेशन के संस्थापक श्री सुगनचंद जैन जी फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी श्री प्रसन्नचंद जैन जी, श्री प्रवीण बी छेड़ा जी, भारत के पूर्व निर्वाचन आयुक्त एवं निर्णायक मंडल के सदस्य श्री टीएस कृष्णमूर्ति जी, श्री डीआर मेहता साहब, श्री एस गुरुमूर्ति जी, सभी संस्था के प्रबंध न्यासीगण, भाई और बहनों, वनकम नमस्ते। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जय जिनेंद्र। आज का ये दिन ऐतिहासिक है जब भगवान महावीर फाउंडेशन द्वारा आयोजित 24वें महावीर पुरस्कार वितरण समारोह में मुझे आने का मौका मिला। ये कार्यक्रम पिछले 5 महीने से इस कार्यक्रम की योजना बन रही थी, लेकिन 5 महीने बाद ये कार्यक्रम हुआ। मैं विशेष रूप से सुगनचंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मेरा इंतजार किया। भगवान महावीर जी ने देश और दुनिया को जो संदेश दिया था वह संदेश आज भी दुनिया के अंदर प्रासंगिक है। भगवान महावीर के विचार, उनकी शिक्षा हम सबके जीवन को मार्गदर्शन देती है। महावीर भगवान के विचार केवल जैन समाज के लिए नहीं, जब आज की परिस्थिति में हम विचार करते हैं तो हमें लगता है उस समय दुनिया में क्या हो सकता है, इस विचार को लेकर भगवान महावीर ने विचार दिए थे कि दुनिया में अगर प्रगति चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो दुनिया में शांति चाहिए। और आज हमें लगता है कि अगर दुनिया में खुशहाली प्रगति चाहिए तो हमें भगवान महावीर के विचारों को अपनाना चाहिए ताकि हम दुनिया में शांति ला सकें। मैं विशेष रूप से फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले संस्थाओं को, व्यक्तियों को पुरस्कार किया। ये पुरस्कार पाने वालों से ज्यादा समाज को प्रेरणा देता है ताकि समाज में उनके गए कार्यों को, उनकी दी हुई सामाजिक सेवा को और लोग भी आत्मसात करें, ताकि जो हमारे संस्कार हैं सेवा के वो जन जन तक पहुंचे।
इसलिए ये पुरस्कार समारोह रखा जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अभी फाउंडेशन ने दायरा कुछ बढ़ाया है, लेकिन और दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। अहिंसा शाकार में जो काम करने वाले अनेक व्यक्तियों संस्थाओं से उन्होंने चयनित किया, शिक्षा में, औषधि में, सामुदायिक सेवा के अंदर, समाज सेवा के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जूरी ने विशेष रूप से ये प्रयास किया कि हम समाज के अंतिम चरण में काम करने वाले व्यक्तियों को, उनके कार्यों को पुरस्कृत करें, और इसके लिए उनकी चयन पारदर्शिता की रही। इसके लिए मैं जूरी के सभी माननीय सदस्यों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के मूल में ही मानव कल्याण और किस तरीके से सामूहिकता के साथ हम मिलकर समाज के अंदर अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं, और इसी विचार को लेकर इस संस्था ने भी इसी तरीके से समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जिन्होंने सामाजिक जीवन के अंदर परिवर्तन किया, जिन्होंने अपने मानवीय सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, उन लोगों को आज पुरस्कृत किया है। ये बात सही है कि हमने हर चुनौती को सामूहिकता से लड़ा है। अभी कोरोना के संकट के समय, जब पूरी वैश्विक महामारी थी, दुनिया के कई विकसित देश जो चिकित्सा के इंफ्रास्ट्रक्चर में या आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे अधिक सक्षम थे, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या भी बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर सामूहिक संकल्प शक्ति से और सामाजिक सेवा के माध्यम से हमने इस वैश्विक चुनौती का मुकाबला किया। दुनिया को हमने बता दिया कि भारत की संस्कृति और संस्कार मानवीय सेवा और मानवता के लिए, सामूहिकता की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, और इसीलिए जहां भी लोगों ने संकट देखे, अभाव देखे, वहां उन संकट अभावों को दूर करने के लिए, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे संस्था हो, चाहे समाज हो, सबने अपने अपने स्तर पर सामूहिकता के साथ इस पुण्य मानवीय सेवा का काम किया, और यही मानवीय सेवा के माध्यम से हमने इस चुनौती को जीता है। भगवान महावीर के विचारों को हम दुनिया के अंतिम व्यक्ति तक ले जाना है। उन्होंने हमेशा
करुणा दया सहिष्णुता से भी हटकर उन्होंने हर जीव की के प्रति करुणा का भाव रखा है, और इसीलिए हम जितने भगवान महावीर के विचारों को आत्मसात करते हैं उतनी ही बेहतर हमारी भी जिंदगी होती है और लोगों की जिंदगी के बेहतरीन होने का काम भी करते हैं। इसलिए भगवान महावीर के सिद्धांतों विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें, जैन समाज सामूहिकता के साथ इस काम को करता है और मुझे लगता है कि उसके अपेक्षित परिणाम भी समाज में आने लगे हैं। आज दुनिया के अंदर में कई चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है, और इन चुनौतियों को हर परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान महावीर के विचार और सिद्धांत उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मैं मार्गदर्शन देते हैं। आज दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया इस चुनौती से लड़ रही है। भारत इतना बड़ा देश होने के बाद भी हम दुनिया में सबसे आगे इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए सबसे आगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जलवायु परिवर्तन को लेकर लीडरशिप हमने पूरे वर्ल्ड में लिए, और किस तरीके से हमारे जलवायु परिवर्तन में संरक्षित करते हुए हमारे आर्थिक सामाजिक ढांचे को हम मजबूत लेकर चले, इस दिशा की ओर सरकार काम कर रही है। हमारे देश में और चुनौतियां हैं जिसका हम सामूहिकता के साथ मुकाबला कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि सरकार एक विजन से, एक दिशा से इस समाज के हर वर्ग में परिवर्तन हो। समाज के हर वर्ग के अंदर सामाजिक परिवर्तन आए, उनकी जिंदगियों में आर्थिक बदलाव आए, उस दिशा के अंदर सरकार एक विजन बनाकर, एक कार्य योजना बनाकर बड़ी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही, और आज मैं कह सकता हूं कि बरसों की हमारी चुनौतियों को एक समयबद्ध योजना बनाकर एक सामाजिक जीवन में बदलाव की ओर सरकार काम कर रही। मुझे याद है कि किसी समय में जब संसद की कार्रवाई पड़ रहा था तो उस समय कई नेता लोगों ने, कई वरिष्ठ विचारकों ने कहा कि इस देश के अंदर महिलाएं खुले में शौच में जाती है, जिस रोड से मैं निकलता हूं कच्चे मकान मुझे नजर आते हैं, किलोमीटर तक दूर लोगों को पीने का पानी लेने जाना जाता था। कई उदाहरण दिए कि जहां पर पीने का पानी किलोमीटर तो दूर लेकिन पीने का पानी स्वच्छ भी नहीं मिलता था। एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती इस देश के अंदर थी।
लेकिन सरकार ने सामाजिक चुनौतियों को एक एक कर दूर करने का काम किया। करोड़ों शौचालय बनाकर एक दिशा दी कि हमारी महिलाएं को खुले में शौच न जाना पड़े, कच्चे मकान को किस तरीके से पक्के मकान बने, हर घर के अंदर पीने का स्वच्छ पानी हो, हर घर में लाइट हो। एक उन गांवों के अंदर जहां सरकार ने सोचा कि कभी लाइट न पहुंची हो, एक निश्चित लक्ष्य बनाकर उस घर तक लाइट पहुंचाने का काम किया। तो जहां एक लड़ाई हमने सामाजिक मोर्चों पर लड़ी और एक लड़ाई हमने आर्थिक बदलाव की ओर लड़ने की आवश्यकता है, और आर्थिक बदलाव जब ही आ सकता है जब हम आत्मनिर्भर हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सही कहा था कि हमें अगर आर्थिक बदलाव लाना है तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर होने की तरफ भारत बढ़े इसके लिए सामूहिकता के साथ काम करने की आवश्यकता है, और हमारा देश सामूहिकता के साथ काम कर रहा है। दुनिया के अंदर अगर भारत की आबादी के दृष्टि से हम आर्थिक और सामाजिक बदलाव देखें तो हम तेज गति से आर्थिक सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। मैं जब इंडियन पार्लियामेंट यूनियन के बैठकों में सम्मेलन में हम जाते हैं तो कई देशों के स्पीकरों से, वहां के संसद सदस्यों से हमारी चर्चा होती है तो उनको कहीं ना कहीं भारत एक नया आर्थिक सामाजिक बदलाव बदलता हुआ देश नजर आता है। उनको लगता है कि प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी तो भारत की और उसके परिवर्तन की बहुत संभावना है, और इस संभावना इसलिए भी बनी कि दुनिया के अंदर भारत का नौजवान हर जगह कहीं ना कहीं सेक्टर के अंदर उस देश के अंदर भी एक आर्थिक बदलाव के लिए नेतृत्व कर रहा है। जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, IITN है, हमारे वैज्ञानिक हैं, वो उस दुनिया के अंदर भी आर्थिक बदलाव करने का नेतृत्व कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण भारत की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य बढ़ा है, और आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर अगर हम नेतृत्व करेंगे तो भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण नेतृत्व करेंगे, नए परिवर्तन की तकनीकी ज्ञान के कारण परिवर्तन करेंगे। और इसलिए वक्त है कि हम सबको सामूहिकता के साथ मिलकर समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए हम समाज में काम करने वाले हर व्यक्ति को पुरस्कृत करें ताकि और व्यक्तियों को सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा मिले, और इस दृष्टि से हम काम करने लगे तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक समाज सामूहिकता के साथ आगे नहीं बढ़ेगा हम बहुत जल्दी सामाजिक परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, और इसीलिए ऐसी संस्थाओं को इस तरीके के सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं समाज के अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिलता हूं। कई संस्थाओं ने लक्ष्य बनाया कि मैं कुछ जिले, कुछ गांव को, ढाणी को अंधता मुक्त कराऊंगा।
आप अभी मैं देख रहा था कि किस तरीके से आपने उन क्षेत्रों में जाकर काम किया जहां सामान्य व्यक्ति जाता नहीं, और उनकी चिकित्सा व्यवस्था के साथ उनके जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। किस तरीके से महिलाओं को स्वरोजगार के रोजगार पर खड़ा किया जा सके, इस दिशा में जब कोई संस्था को इंडस्ट्री सेक्टर का प्लान बने कि मुझे मेरी इंडस्ट्री लगाने में मेरा लक्ष्य अधिकतम लोगों को रोजगार देना है, क्योंकि दुनिया में बहुत तेजी से तकनीकी परिवर्तन हुआ है, वैज्ञानिक परिवर्तन हुआ है, वो लेकिन वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तन से बहुत तेजी से तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ भारत की भौगोलिक भौगोलिक जनसंख्या को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं हमारे प्लान को, इंडस्ट्री सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को इस तरीके की भी योजना बनानी चाहिए ताकि हम अधिकतम लोगों को रोजगार दे सकें, महिलाओं को घर बैठकर रोजगार दे सकें। जब इंडस्ट्री सेक्टर के लोग इंडस्ट्री लगाते समय इस विजन से काम करेंगे कि मैं धन तो अर्जित कर रहा हूं, लेकिन धन अर्जित करने के साथ साथ मैं समाज के वो अंतिम पड़ाव पर रहने वाले व्यक्ति को रोजगार देने का काम कर रहा हूं, तब हमारा सामाजिक योगदान इस समाज में होगा। और इस दिशा में काम करने की आज आवश्यकता है। और मैं कई सेक्टर में, कई इंडस्ट्रीज, कई संस्थाओं को नाम बता सकता हूं जिन्होंने अपने सेक्टर को केवल इसलिए डेवलप किया कि मैं कितना अधिक तक रोजगार दे सकता हूं, और उन संस्थाओं ने इस दिशा के काम करकर एक बड़ी संस्था का निर्माण करने का काम किया। कई कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर किया, कई संस्था के माध्यम से, कई इंडस्ट्री सेक्टर के माध्यम से किया। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हमारा योगदान इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के अंदर अधिकतम रोजगार देने का भी होना चाहिए। जब हम समाज के हर सेक्टर के अंदर काम करने लगेंगे, हम गर्भवती महिला को पोषण देकर समाज के अंदर कुछ लोग फैसला करेंगे कि मुझे एक जिले के अंदर, दो जिले के अंदर हर गर्भवती महिला को मैं उसको पौष्टिक आहार दूं ताकि महिला भी सुरक्षित रहे, बच्चा भी सुरक्षित रहे, तब हम मातृ शिशु दर को कम कर पाएंगे। और इसी तरीके से हर सेक्टर के अंदर समाज के सभी लोग सामूहिकता के साथ समाज कल्याण का काम करेंगे, मानव कल्याण का काम करेंगे, तो इससे बड़ा परोपकार और पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि चेन्नई के अंदर मुझे आज कई जैन समाज के, अन्य समाज के औद्योगिक और व्यापारिक सेक्टर और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग मिले, मैंने उनसे भी चर्चा की। उनकी जन्मभूमि हो सकती है कि राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य प्रदेश हो, लेकिन उनकी कर्म भूमि तमिलनाडु है, और इस कर्म भूमि का दायित्व निभाते हुए वे अपनी जन्मभूमि के लिए भी काम कर रहे हैं और अपनी कर्म भूमि में भी सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि हम सब लोग सामूहिकता के साथ काम करके इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक बदलाव में सहयोग करेंगे। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 100 साल जब हमारी आजादी के होंगे तो भारत कैसा होगा, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है, हम सबको सामूहिक संकल्प के साथ करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि हम सब लोग इस सामूहिक संकल्प शक्ति के साथ इस अमृत महोत्सव के अंदर संकल्प लेंगे कि अगले 25 साल के अंदर
मुझे ही इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक बदलाव में मुझे ही योगदान देना है। मैं जिस सेक्टर में भी हो सकता हूँ, जहाँ भी हो सकता हूँ, मेरा इस देश के लिए क्या योगदान हो, इस संकल्प के साथ हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आज़ादी के 100 साल बाद हमारे शहीदों के सपनों को पूरा कर पाएंगे। मैं पुनः महावीर फाउंडेशन के संस्थापक सुगनचंद जी जैन साहब, उनके दोनों पुत्रों, उनके ट्रस्टियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिन्होंने आज ये पुरस्कार वितरण समारोह का, जिस पुरस्कार वितरणों से और समाज के लोगों को सामाजिक सेवा के कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।